टॉपिक है एसिड डेरिवेटिव। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव देखा था, उनका रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम देखेंगे कि उनकी रिएक्टिविटी का और आगे का सीक्वेंस। एसिड डेरिवेटिव क्या थे ये पर ब्रीफ लिख लेते हैं। OH है तो एसिड, OH को हटा दिया, अगर क्लोरीन लगाया एसिड हैलाइड, OH की जगह OCS3 ईस्टर, NH2 अमाइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड। ये सारे हैं एसिड डेरिवेटिव। अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो देखें, तब इसके बाद का क्लियर अच्छे से होगा। इसकी रिएक्टिविटी रिएक्शन कैसी होगी, यह है लिविंग ग्रुप जो लीव होंगे, यहाँ पे है क्लोरीन, OCS3, NH2, ये सारे जो आए हैं एसिड में, अगर रिएक्शन कंडीशन होगी तो ये लीव भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, एक आ रहा है तो एक बॉन्ड को ऊपर जाना पड़ेगा, O बना O नेगेटिव, यहाँ है लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, आने वाले को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप क्योंकि ये जाएगा, ये नेगेटिव वापस आया, ये रिमूव हुआ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड हो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो नेगेटिव साइन, लिविंग ग्रुप की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आया है तो न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हुआ तो SN। ये स्टेप कैसे हुआ है रिएक्शन, पहले आके जोड़ा है फिर रिमूव हुआ है, तो पहले आके जोड़ने को बोलेंगे एडिशन, फिर रिमूव कर दिया एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का टाइप है SNAE। इतना क्लियर है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। लिविंग ग्रुप को फिक्स करते हैं, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया, पहले केस में न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं OH-, तो OH- वाला केस मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोगों को ट्राई करना है। OH- आएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव वापस लिविंग ग्रुप को हटा दिया, तो कैसा दिखेगा हमें, डबल बॉन्ड O फाइनली, यहाँ पे आ जाएगा OH, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे वो लेके जाएगा, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड में दो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया नेगेटिव साइन। तो ऐसे ही आप लोग ट्राई करें पॉज करके। सेकेंड केस में NH2 आ रहा है, तो NH2 वाला पार्ट जुड़ा, लिविंग ग्रुप चला गया। थर्ड केस में OR आके जुड़ा, लिविंग ग्रुप विद नेगेटिव साइन रिमूव, प्लस का साइन प्रोडक्ट में है, प्लस में जोड़ दिया। इस केस में लिविंग ग्रुप आपको दिया था काम करने को, तो यह था आपका स्टार्टिंग का रिएक्टेंट, फाइनली प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा, तो आप ये वाला रिपोर्ट करोगे तो अपने मालिक को क्या बोलोगे, हमने क्या काम किया, कुछ नहीं, तो गलत है ये वाला पार्ट। ये आपको पता है कि आपने यहाँ से अटैक किया, ये ऊपर गया, रिमूव हुआ, बट ऑन एन एवरेज कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिला, तब क्या करेंगे, आपको दूसरा मेथड सोचना है कि और क्या हो सकता है। याद करो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल में भी यहाँ पे अटैक कर रहे थे, फाइनली वही प्रोडक्ट बन रहा था, तो क्या किया था हमने, अल्फा हाइड्रोजन लिया था, वेरी गुड। तो यहाँ भी क्या होगा, लिविंग ग्रुप को भगाने के चक्कर में हमारा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ऑन एन एवरेज काम पूरा जीरो। जब भी लिविंग ग्रुप जाने वाला और आने वाला एक जैसा है, जो गया वही आके जुड़ गया वैसा ही कंपाउंड, तो ये हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, उस केस में अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, ये लिविंग ग्रुप वाला कंपाउंड जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाला, ये ले लेगा इसका हाइड्रोजन, क्या बना देगा, इधर से दो कार्बन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन दो बचे रहेंगे, एक चला गया और साइड में H लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ गया। तो ऐसा कब कब करेंगे, जब आने वाला और जाने वाला लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही चीज़ के बने हैं, तो हम क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा लिविंग ग्रुप, क्या करेगा लिविंग ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन ट्रैपिंग। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, कार्बोनिल जो मेन है उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन वो है अल्फा हाइड्रोजन, तीन है वो एक लेके चला गया, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये फर्दर रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा वो बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर, ये ट्राई करें आप एक बार, टिक टिक 1, टिक टिक 2, फास्ट। इस केस में
एन ए ओ एच लिखा है, तो एस ब्लॉक के साथ जब भी होगा तो एन ए पे प्लस, एस ब्लॉक वाला प्लस और यहाँ पे माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल है हमारा ओ एच माइनस। सेम वही मेथड, ओ एच माइनस जाके अटैक करेगा, ये ऊपर गया फिर नेगेटिव साइन नीचे आया, इसको रिमूव। तो ऑन क्या दिखा हमें फाइनली, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे जुड़ गया ओ एच, इधर है सी एच थ्री। सेकेंड केस एन ए प्लस ओ सी एच थ्री माइनस, सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री जुड़ा और ओ माइनस सी एस ई टी, सॉरी ई टी है, ई टी मतलब इथाइल, इथाइल वाला पार्ट रिमूव हो गया नेगेटिव के साइड। ऊपर भी ऐसे ही रिमूव करेंगे। अगले केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल है एन ए प्लस एन एच टू माइनस, न्यूक्लियोफाइल होगा एन एच टू माइनस आ रहा है वो, और क्या चला जाएगा ई टी ओ माइनस, ये जा रहा है। अगला केस देखते हैं एन ए प्लस ओ ई टी माइनस, आने वाला जाने वाला सेम है, क्या करेंगे, उसमें ट्रैपिंग होगी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, वो हो गया समझदार, ये कर देगा सी एच टू माइनस। तो क्या समझ में आ गया, ये जब सेम होगा तो माइनस करेंगे ऐसे, क्लियर। और जो ओ माइनस था उसने हाइड्रोजन लेके बना लिया इथेनॉल। एक और केस लेते हैं, ये मेन है, ये लिविंग ग्रुप है, इसमें लिविंग ग्रुप थोड़ा ये वाला पार्ट है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एनहाइड्राइड। एसिड में ये वाला ग्रुप जुड़ेगा तो एनहाइड्राइड, सेम एन ए प्लस ओ एच माइनस सारे वैसे ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, देखते हैं ये लिविंग ग्रुप सेम होगा तब अल्फा हाइड्रोजन ले माइनस, नहीं ये भी डिफरेंट है लीव कर देगा, ये भी डिफरेंट है लीव, डिफरेंट है लीव। पर इस केस में देखो सी एस थ्री और ये भी क्या है सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस, जाने वाला और आने वाला सेम है, तब क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन पार्ट, क्लियर। बनाते हैं इसका प्रोडक्ट सी एस थ्री सी ओ, उससे जुड़ जाएगा ओ एच, और ये वाला अलग होगा तो खाली हाथ नहीं, घर छोड़ के जा रहा है, खाली हाथ जाएगा तो कैसे रहेगा, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन। इस केस में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अब क्या जुड़ जाएगा सी एस थ्री, ये वाला पार्ट एज इट इज नीचे भी लिखेंगे। इस केस में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथाइल वाला ई टी लिखी दे रही हूँ यहाँ पे, एन ए प्लस एन एच टू माइनस, एन एच टू माइनस न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग, तो लिविंग ग्रुप को कहेगा आप जाइए हम यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग है, इस केस में दोनों सेम सेम है तो ये यहाँ जाने गलती करेगा, नहीं गलती बार बार नहीं की जाती है।